कश्मीर में आज आतंकी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। सुरक्षा बल और पुलिस निशाने पर, हाई अलर्ट पर सेना। जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकियों ने सीआरपीएफ कैंप पर ग्रेनेड फेंका, दो जवान घायल। सीआरपीएफ की 180वीं बटालियन के जवानों पर ग्रेनेड फेंका गया, पूरे इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। मनकोट सेक्टर और कृष्णा घाटी में कल सीमापार से गोलीबारी हुई, पाकिस्तान लगातार तोड़ रहा है सीजफायर। पुंछ में सर्च ऑपरेशन के दौरान आर्मी ने आतंकियों के सामान बरामद किए हैं, दवाइयां, कपड़े, वॉकी टॉकी भी शामिल। पाकिस्तानी गोलीबारी में कई घरों को नुकसान, 5 महीने में एलओसी पर 32 और कश्मीर में 45 आतंकी मारे गए। आजादी के नाम पर जम्मू कश्मीर में बच्चों को भड़काने की साजिश, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर फैलाए जा रहे वीडियो से खुलासा। पेंगोंग झील के रास्ते चीनी सैनिकों ने लद्दाख में घुसपैठ की, भारतीय सैनिकों को देख वापस लौटे। जून के पहले हफ्ते में भी चीनी सैनिक कई बार लद्दाख में कर चुके हैं घुसपैठ। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का आज से पूर्ण दार्जिलिंग बंद का ऐलान, लोगों की बढ़ेगी मुश्किलें। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कल बीडीओ दफ्तर में आग लगा दी, दार्जिलिंग में अभी भी 2000 पर्यटक फंसे हैं। बालाघाट पटाखा फैक्ट्री मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश भूरिया को जिम्मा दिया गया। 25 जून को पीएम मोदी अमेरिकी दौरे पर जाएंगे, 26 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी की मुलाकात में आतंकवाद और रक्षा संबंधों पर बातचीत संभव। लंदन की कोर्ट में कर्ज में डूबे कारोबारी विजय माल्या के प्रत्यर्पण को लेकर आज सुनवाई, सीबीआई के बड़े अधिकारी भी लंदन में मौजूद। किसानों के मुद्दे पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने शिवराज सिंह चौहान से चर्चा की, संगठन महामंत्री रामलाल ने भी सीएम से रिपोर्ट ली। मंदसौर हिंसा और गोलीकांड पर जांच आयोग का गठन, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज 3 महीने में सरकार को रिपोर्ट देंगे। आज एक दिन की हड़ताल पर रहेंगे हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी, प्राइवेट ऑपरेटर्स को परमिट देने का विरोध। मॉडल कृतिका चौधरी का उसी के फ्लैट में शव मिला, पुलिस के मुताबिक सड़ी गली अवस्था में शव बरामद हुआ। मुंबई के बांद्रा में तेज रफ्तार का कहर, डिवाइडर से टकराई कार, हादसे में 3 लड़कियां घायल। मॉनसून की पहली बारिश से मुंबई बेहाल, निचले इलाके में पानी भरा, कई जगह ट्रैफिक जाम। तेज बारिश की वजह से कई जगह पेड़ गिरे, मुंबई आने वाली 16 उड़ानें डाइवर्ट की गई। मुंबई मेट्रो में सफर करना महंगा हुआ, मुंबई मेट्रो ने किराए में 5 रुपए तक की बढ़ोतरी की। महाराष्ट्र में आज घोषित होंगे 10वीं के नतीजे, 17 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स परीक्षा में बैठे थे। मुंबई में अगले कुछ दिनों में बढ़ सकते हैं दूध के दाम, दुग्ध उत्पादक किसानों को खुश करने की सरकार की कवायद। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में 2 गुट आपस में भिड़े, चाकू तलवार से हमला, पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। नागपुर में लुटेरी महिलाओं के गैंग का आतंक, नौकरी के बहाने नकदी और कीमती सामान पर हाथ साफ कर फरार हो जाती। दिल्ली के ओखला से पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद पर हमला, सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिए 3-4 हथियारों से लैस बदमाश। कपिल मिश्रा आज केजरीवाल सरकार के खिलाफ एसीबी को सौंपेंगे सबूत, दवा खरीद और सीएनजी घोटाले से जुड़े दस्तावेज होने का दावा। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर शिवपाल यादव का बड़ा बयान, कहा मुझे उम्मीद है कानून व्यवस्था जल्द ठीक होगी। यूपी के बदायूं में सीएम योगी के खिलाफ फेसबुक पर पोस्ट को लेकर केस दर्ज, आरोपी डॉक्टर फरार है। ट्रिपल तलाक पर यूपी की संबल पंचायत का ऐतिहासिक फैसला, पत्नी को तलाक देने पर 2 लाख का जुर्माना लगाया। यूपी के लखीमपुर खीरी में पति ने की पत्नी की हत्या, पुलिस स्टेशन में जाकर सरेंडर किया। मथुरा में लुटेरों ने सीएनजी स्टेशन के मैनेजर से 25 लाख रुपए लूटे, 4 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। यूपी के मऊ में बंदूक की नोक पर लूट, कपड़े की दुकान में लूट की वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड, फिलहाल कोई गिरफ्तार नहीं। पटना के पेट्रोल पंप से 19 लाख की लूट, बैंक में जमा कराने जा रहे 2 कर्मचारियों से बैग छीनकर भागे बदमाश। बिहार के बेगूसराय में मोबाइल चोरी के आरोप में एक चाचा ने अपने ही भतीजे की हत्या की, घटना के बाद से आरोपी फरार। कर्नाटक के रायचूर में महिला को लात मारता दिख रहा है पुरुष कर्मचारी, पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। गुजरात के वलसाड में नेशनल हाईवे 8 पर कार और ट्रक में टक्कर के बाद आग लग गई, हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत। गुजरात के बोटाद जिले में जादू टोना करने वालों के कार्यक्रम में पहुंचे गुजरात के 2 मंत्री, शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा और सामाजिक न्याय मंत्री आत्माराम परमार। हैदराबाद में बालकनी से गिरी 2 साल की बच्ची, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर में हुआ अजगर के 56 बच्चों का जन्म, अप्रैल महीने में दिए अंडे।
चंडीगढ़ में महिलाओं को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग, रेप छेड़खानी स्नैचिंग से बचने के लिए सेल्फ डिफेंस स्वयं की शुरुआत। झारखंड के सिमडेगा में सीआईएसएफ जवान ने पेश की मिसाल, गरीब युवाओं को फौज में जाने की मुफ्त ट्रेनिंग दे रहा है। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को मुरादाबाद में अनोखी सजा, माला पहनाकर शपथ दिलाई, हेलमेट के बिना कभी नहीं चलाएंगे बाइक। एनडीएमसी ने योग दिवस के लिए लुटियन जोन में रास्ते में योगासन से जुड़ी पेंटिंग्स लगाई हैं, विशेष क्लास भी चलाई जा रही है। शिमला में वायुसेना और हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने मिलकर एडवेंचर फेस्ट की शुरुआत की है। जुबार हाटी हवाई अड्डे पर आयोजित इस फेस्ट में वायुसेना के 25 जाबाज हिस्सा ले रहे हैं। एडवेंचर फेस्ट 17 जून तक चलेगा। एयर शो के साथ शिमला में एडवेंचर फेस्टिवल की शुरुआत, एक हफ्ते चलने वाले प्रोग्राम के लिए सैलानी जुटे। तिब्बत में मौजूद कैलाश मानसरोवर के लिए यात्रा शुरू, 55 यात्रियों का पहला जत्था काठगोदाम पहुंचा, कुल 1060 यात्री करेंगे मानसरोवर के दर्शन।